जी हाँ, हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ होने जा रहे हैं जावेद इकबाल रामदे। लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल रामदे जो अभी बहावलपुर कोर को कमांड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होने जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो मीडिया विंग है ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के जो मेरे सूत्र है, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 90% जावेद इकबाल रामदे का बनना तय हो चुका है। अभी बहावलपुर कोर को कमांड करना है, इससे पहले 4 साल तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। काफी लंबा अनुभव है इन्हें कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने का। इनको सबसे ज्यादा नाम मिला स्वात वैली में किए गए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आमिर मुल्ला फजलुल्ला के खिलाफ किए गए ऑपरेशन का। इनके पक्ष में जो सबसे बड़ी बात जाती है, कई इनके जो रिश्तेदार हैं वो PML नून, जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग नून है, उसमें कई इनके रिश्तेदार जो हैं वो बड़े ओहदे पे हैं। इस दूसरी तरीके से कहा जा सकता है कि PML नून की ये पसंद है नवाज शरीफ ऐसे में, जबकि पनामा लीग मामले में उनका नाम आने के कारण काफी परेशानियों में फंसे हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि PML नून चाहेगा कि ऐसे मौके पर ऐसा सेनाध्यक्ष बने, ऐसा आर्मी चीफ बने जो उनके तख्त को सलामत रखे, तख्ता पलट नहीं करे। 2011 में काफी हार्डन चुकी है माने जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, 2011 में एक स्नाइपर बुलेट लगी थी जब ये स्वात वैली के ऊपर से इनका हेलीकॉप्टर जा रहा था। काफी हार्डन और ब्लंट माने जाते हैं, आउटस्पोकन तो नहीं है लेकिन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन बायस्ड है। डेफिनेटली जो है नवाज शरीफ को ऐसे ही आर्मी चीफ की जरूरत है जो उनके तख्तो ताज को संभाल के रखे। तो 90% जो है उम्मीद हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं वो है जावेद इकबाल रामदे। लेकिन एक इसके अलावा अगर 90% जावेद इकबाल रामदे बनने जा रहे हैं तो 5% जो बात चलती है, सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है जो है जावेद बाजवा साहब का। बाजवा साहब जो है ये इस वक्त IG जो है ट्रेनिंग एंड एवेल्यू है, ये वही पोस्ट है जो राहिल शरीफ के पास थी। इन्होंने 10th कोर जो आर्मी की सबसे बड़ी, पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी जो कोर है उसको भी इन्होंने कमांड किया है। काफी सीधे माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने नॉर्दर्न पाकिस्तान समेत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर भी काम किया है। दूसरी बात जो इनके पक्ष में जाती है, जो नवाज शरीफ को काफी पसंद आ सकती है, कि ये इंडिया से बड़ा जो खतरा है वो मानते हैं आंतरिक आतंकवाद को। जाहिर है आंतरिक आतंकवाद को जो खतरा मानता है नवाज शरीफ के लिए, ऐसा ही आदमी जो है वो ऐसा ही आर्मी चीफ उसे पसंद आ सकता है। दूसरी बात यह है कि वो बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं जिसने अब तक 3 आर्मी चीफ दिए हैं, जनरल याहिया खान, जनरल असलम बेग और जनरल अशफाक कियानी। जबकि ये जो है बाजवा साहब, ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो ये तीनों जो बलोच रेजिमेंट से जो तीनों ये जनरल निकले थे, ये जो है इनकी साफ तौर पर अगर कहें तो राजनीतिक इनकी जो है राजनीतिक झुकाव था। और याहिया खान ने तो मालूम ही आपको कि तख्ता पलट किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात साहब आते हैं, जुबैर महमूद जो हयात हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है, 4-स्टार जनरल है, सीनियरिटी लिस्ट में इनका सबसे जो है वो पहला नाम है। अभी चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ है CGS है और ये बहुत करीबी भी माने जाते हैं राहिल शरीफ साहब के। दूसरी बात यह है कि ये जो DG स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन में रह चुके हैं, DG स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन में काम करने के चलते उनके नवाज शरीफ से काफी खास संबंध रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह कि उन्होंने कभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम नहीं किया है। उनके पक्ष में लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि ये आर्मी में उनकी दूसरी पीढ़ी है। उनके जो पिता थे वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल थे और उनके 2 भाई भी मेजर जनरल जो है वो रह चुके हैं। काफी ब्लंट इनको भी माना जाता है, भावलपुर कोर के को भी कमांड कर चुके हैं, काफी इनका जो नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉन पॉलिटिकल ये भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद साहब का नाम आता है, इनको भी हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत इनकी भी पोजीशन हो सकती है बनने के लिए। इनको इसलिए खास माना जाता है, ये राहिल शरीफ साहब की जो अभी आर्मी चीफ है उनकी पसंद कहे जा सकते हैं। राहिल शरीफ साहब ने अपने आर्मी चीफ बनते ही साथ सबसे पहला जो काम किया था वो इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS पोस्ट पे लगाया था। ये भी एक तरीके से नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो समस्या रही है कि ये बहुत आउटस्पोकन है, बहुत ब्लंट है। और दूसरी बात यह है कि इनको जो जिस चीज से ये फेमस हुए हैं, राहिल शरीफ साहब का जो ऑपरेशन
ऑपरेशन जो जरबे अज़्ब जो वो जो ऑपरेशन था उसकी जो पूरी जो रूपरेखा थी, जो उसका पूरा ब्लूप्रिंट था, वो कहा जाता है कि नदीम अहमद साहब ने, इशफाक नदीम अहमद साहब ने जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके कारण राहिल शरीफ को काफी नाम मिला। तो ये तकरीबन जो चार नाम जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से बाकी जो नीचे के जो नाम है, चाहे इशफाक नदीम साहब हो, बाजवा साहब हो या हयात साहब हो, इनके बनने के चांसेस कम है, लेकिन 90% अगर हम माने तो जो है जावेद इकबाल रामदे बनने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के चीफ, उस पाकिस्तान आर्मी के चीफ जिसके राहिल शरीफ आज की तारीख तक चीफ हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को बहुत मजाक बना के रख लिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत को अपनी टेक्स्ट बुक में एक नया इतिहास लिखना पड़ेगा, नया चैप्टर लिखना पड़ेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि इतिहास जो उनकी टेक्स्ट बुक है उसमें नया चैप्टर भारत को नहीं पाकिस्तान को जोड़ना पड़ा है। 1971 में जो उनकी पढ़ाई जाने वाली किताब है उसमें एक नया सफा, एक नया चैप्टर जोड़ा था जिसके बाद पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो अब आर्मी चीफ जो नए हैं वो रामदेव बन सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास थी। अब दुआ करनी चाहिए कि एक ऐसा आर्मी चीफ बने नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस्ड, जो अपने ही देश के अंदर आतंकवाद को बाहरी आतंकवाद से बड़ा मानता हो या इंडिया से बड़ा दुश्मन जो वाकई में आपके देश के अंदर है उसे मानता हो। तो नया आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल रामदेव। जय हिंद, जिए पाकिस्तान।